अभी शाम कब लोग हम शुरू करेंगे ये पटाया नाइट बाजार से, और फिर चलते चलते हम अपने होटल तक जाएंगे और देखेंगे कि नाइट को यहाँ पटाया नाइट बाज़ार में क्या क्या मिलता है और फिर रास्ते में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो बने रहिए, स्टे ट्यून। तो भाई शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ सारे जो बैग है वो 950 बात के है, ये बड़े बैग। और फिर पीछे 1600 बात वाले हैं, फिर 950 बात वाले हैं, और ऊपर सब बैग है। और ये उस दिस व्हाट इज दिस ग्लास, शो मी प्लीज। इनसाइड, ओके ओके। तो देखिए भाई, यहाँ सब ऐसा है कि सब कुछ मिलता है। वहाँ जो ग्लास था वो हम देखने जाएंगे, लेकिन बाद में। ये कुछ पूजा का सामान है, नहीं नहीं शॉप है, शॉप कोकोनट शॉप, कोकोनट शॉप। ये कुछ वुडन आर्ट है, गरुड़ भगवान। और फिर बता, ये देखिए भाई, प्रीमियम क्लास अंडरवेयर दिख रहा है हमको, तो कपड़े से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये है 100 रुपये का एक, और 3 लो तो 250 रुपये के है। यहाँ पटाया नाइट मार्केट में तो टी शर्ट बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, आप देख सकते हैं, ये एकदम बढ़िया टी शर्ट है। सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ी ले ही लूँ, देखते हैं कहाँ से क्या परवड़ता है। तो फिर हम भी कुछ शॉपिंग करेंगे और देखते हैं, पहले देख लेते हैं पूरा मार्केट और बाद में शॉपिंग का सोचेंगे। तो फिर क्या, देखते देखते कुछ अच्छा निकल जाए। ये सब शूज है, शूज और पर्स। यहाँ सब चप्पलों की दुकान है, देखिए ये चप्पल, ये भी अड्डा की है लेकिन आयरन मैन जैसी है। देखो भाई ये भी है यहाँ, अगर मेरे जैसे किसी आदमी को बोले कोई कि सिक्स पैक बनाओ, तो ये टी शर्ट पहन ले तो सिक्स पैक बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ सब खिलौने भी मिलते हैं, देखिए छोटे छोटे वास पास स्कूटर है। और ये सब कार है। यहाँ ये फुल बाइक फुल स्लीव के टी शर्ट भी मिल रहे हैं, और ये हाफ स्लीव के भी है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है। ये देखिए भाई, यहाँ तो डराने वाली दुकान आ गई, बिल्कुल ही भूतिया है सब सामान, जैसे भूतिया सामान बेच रहे हैं, हॉरर स्टोरी जैसा। ये देखिए लटक रही है, ठीक है भाई ठीक है। चलते चलते हम यहाँ ये टी शर्ट बहुत ही पसंद आ गई,
तो आप भी देखिए कि कैसी है। ये जो है टी शर्ट, एक पसंद आ गई और दूसरी इस तरह की हम ले रहे हैं। फर्स्ट कॉपी लगती है लेकिन कपड़ा बहुत ही अच्छा है। तो हाउ मेनी प्राइस? 280 इफ यू टेक टू आई डू बाय 250 280 ओके। तो हम ले रहे हैं, इफ यू वांट टू टेक टू। भाई बार्गेनिंग करने में मान नहीं रहा है और बोल रहा है कि एक लोगे तो 280 रुपए बात है और दो लोगे तो 500 बार लगेगी। तो हम सोचते हैं चलो दो ले ही ले, तो फिर ले लेते हैं। तो पटाया नाइट बाजार में आपके बच्चे अगर शरारती है तो इनके लिए ये देखिए, हक हक का ड्रेस है, हंक का ड्रेस है, स्पाइडरमैन है, बहुत सारे ड्रेस है अलग अलग तरह के। और ये बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चों के लिए है। ये देखिए कितना क्यूट है। दुकान में ये आंटी कुछ वुडन आर्ट बरकत बाबा है, अंदर ये वासुकी है, यहाँ ये वासुकी है और ऊपर भी कुछ है, लेकिन इनके देवता तो हमारी समझ में आते नहीं। ओ सामने गणपति है सामने, पंचमुखी भी है। आई कैन सी मैम, आई कैन सी दिस। ये देखिए कितने मस्त गणपति है एकदम बेस्ट। चरण स्पर्श कर लेते हैं हम, देखिए हम आए थे जो पूछ रहे थे हम इसका भाव, तो हमने ये बाहर से पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने ये ऐसा एक ले लिया है। आप देख सकते हैं जो 250 बात का है, लेकिन अगर हमारे यहाँ लेने जाए तो कम से कम 1200 से ऊपर तो ऊपर ही मिलेगा। और ये सब देखिए, ये पूरा चॉकलेट का सेक्शन है। अब हम निकल चुके हैं पटाया नाइट बाजार के बाहर और दूसरे दूसरा कुछ, क्योंकि अंदर तो हर दूसरी तीसरी दुकान या तो जेंट्स कपड़े की थी या फिर लेडीज़ कपड़े की थी या फिर ये बैग और पॉकेट पर्स वाले थे। तो हमने सोचा चलो अब बाहर निकलते हैं और कुछ और देखते हैं। तो जी हाँ, वुडन आर्ट की भी थी कुछ दुकान, तो अभी आगे देखते हैं कहीं क्या क्या मिलता है। वही मार्केट रहा तो हम फिर वापस चले आएंगे। तो भाई यहाँ बाजू में ही एक मैंगो यहाँ हमेशा बेचते लगते हैं, तो यहाँ स्मूदी बेच रहे हैं, ये फ्रेश स्मूदी मैंगो की, तो हम वो पी रहे हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। ऑर्डर किया और थोड़ी देर में आ गई हमारी, क्या बोलते हैं इसको, दिस मैंगो स्मूदी। ओके, मैंगो स्मूदी बोलते हैं यहाँ, हम तो आमरस बोलते हैं वहाँ। अच्छा टेस्ट है, गुड प्योर मैंगो। कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जिसमें स्पीकर मिल रहे हैं हमारे इंडिया की तरह ही, और ब्लूटूथ स्पीकर है, और ये क्या बोलते हैं इसको।
नाइट बाजार से आगे चलते ही हमने देखा कि यहाँ सब जो दुकानें लगी है, जैसे कि हमारे यहाँ अहमदाबाद में बेचते हैं, उस तरह से यहाँ सब दुकानें लगी है, चप्पल है, कपड़े है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए अम्ब्रेला है छोटी छोटी, कटलरी है, ये सब ट्रिमर है, इधर फैन है, छोटे बच्चों के कपड़े हैं। How much is this? Gents? Gents? Yeah. In my size? वही वहाँ तो कुछ मिला नहीं हमें। इसे देखते हैं। How much is this? ₹100। ये चार मिल रहे थे वहाँ नाइट मार्केट में, वो यहाँ तीन मिल रहे हैं। बादाम, काजू, चलते चलते हमें एक बंदा मिल गया जो बिल्कुल अलग ही प्रकार का जानवर दिखाई पड़ता है, ना तो किस श्रेणी में गिने इसको। देखिए इनके इसके बाल देखिए और दाढ़ी देखिए इसकी। हेलो हेलो, देख लीजिए। हम किसी का मजाक तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन उसी को इतना मज़ा आ रहा था, सब जो उस पर हंस रहे थे तो उसी को इतना मज़ा आ रहा था कि मुन्ना पूछे बात, तो वो भी मज़ा ले रहा था और हम भी मज़ा ले रहे थे। गुड मॉर्निंग। तो आज है रविवार 15 तारीख और कल हमारा यहाँ से चेकआउट है, तो अभी हम चलते हैं इस्कॉन टेंपल दर्शन करने के लिए। आज फिर से हमने पप्पू भाई साहब को पकड़ लिया है और हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल, और वहां से फिर वो हमें छोड़ देंगे कोलर आइलैंड की फेरी तक। इंडिया, हाँ हाँ, गो इंडिया। ये आ गए डॉल्फिन सर्कल और यहाँ से कुछ आधा एक किलोमीटर है अंदर जाना। ओ भाई साहब को हमने बोला तो बोला हम नहीं देखे, ठीक है हम ढूंढ लेंगे। तो ढूंढते ढूंढते हम पहुँच ही गए मंदिर इस्कॉन टेंपल, और हमने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और माता जी भी यहाँ बैठी हुई, अम्बा माँ, अम्बे और नवग्रह यहाँ स्थापित किए हुए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, इस तरह का कुछ टेंपल है, हर कोई नमन करे। और यहाँ माता अम्बा है और यहाँ नवग्रह विराजमान है। वैसे तो इसका कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ लगता, क्योंकि वहाँ से लेके यहाँ तक 2-3 रूम है और ये सब यहाँ भक्तजन जो प्रसाद ले रहे हैं अभी। तो हमने दर्शन कर लिए है इस्कॉन टेंपल के। अगर आप यहाँ आए तो प्लीज़ इस मंदिर का विजिट करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम फिर से पहुंच गए ये
बीच रोड पर हम जा रहे हैं कॉलर आइलैंड की फेरी की तरफ, तो देखते हैं। ये देखिए सब लोग।